कहाँ पे हैं कहाँ पे हैं चपाती भाई कहाँ पे हैं गाइस भाई पोस्ट में बड़ी खतरनाक चीज आई है चपाती भाई आपके लिए गिफ्ट आया है गिफ्ट क्या? अरे भाई तो ये दे आप ये भाई डब्बे के अंदर देख रहे हो इसके अंदर दो कागज की शीट पड़ी हुई है ओके तो, भाई तो एक पे लिखा है मेरा नाम एक पे आपका नाम लिखा है और जिसका नाम लिख रहा उसको मिस्ट्री आइटम मिलेगी चिट्ठी हाँ भाई चिट्ठी के अंदर बड़ी मिस्ट्री चीज पड़ी हुई है पक्का इस्तीफा दे रहा है भाई इस्तीफा नहीं दे रहा हूँ ओके तो मैं स्टार्ट करूंगा ये वाले ठीक है ओके अभी देखते हैं किसका नाम निकलेगा हाँ भाई ये चिट्ठी आपकी इसके ऊपर लिखा है हाँ। तो आपका नाम निकला बधाई हो आप जीत गए ये देखो आपका नाम निकला ये रो भाई आपकी चिट्ठी ओ तेरी भाई अरे भाई आप सिर्फ खोल के देखो खोल के £20 बधाई हो £20 जीत गए अभी मैं आपको असली चीज बताता हूँ ये बैग पकड़ो पहले और चलो सामान पैक करो और निकलो यहाँ से भाई यही आपका चैलेंज है और अगर आपने ये चैलेंज कंप्लीट नहीं किया तो वो देख रहे भाई सामने यही पर ही बेसबॉल बैट पड़ा हुआ है भाई लोहे वाला बैट यहाँ पर पड़ा हुआ है लोहे वाला चलो भाई पैक करो और भाई आपका चैलेंज सिंपल है जो आपको £20 मिले हैं आपको 24 आवर्स सिर्फ उसी पे सरवाइव करना है बैग पैक करने वाली कौन सी जगह है यार भाई आप घर के अंदर भाई घर की चीज कुछ भी यूज नहीं कर सकते मैं नहीं जाऊंगा भाई आपको जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा तुम लोगों ने मेरा पैसा निकाला ना इस दहलीज पर अपने पैर नहीं रखूंगा दहलीज पर देखेंगे तो मैं 20 साल बाद एकदम से बड़ा बंदा होगा बड़ा भाई आप 20 मिनट सरवाइव करके दिखाओ तो मैं मानू 20 साल बाद देखियो भैंस की मोटे बोरे इसी बोरे के अंदर पैसे लेके आऊंगा अच्छा सारे मेरे से भीख मांगो आरो 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 रुको 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 तो ये चप्पल मैं यहाँ से पहन लेता हूँ बाप बता हाँ बोलो दूसरी वाली चिट्ठी में क्या लिखा है अरे आप खोल के देखो दूसरी वाली में मेरा नाम लिखा होगा अच्छा हाँ आपका आपका नाम लिखा है तेरी प्लानिंग है तेरी प्लानिंग है मैं समझ गया और सुनो अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है अभी एक चैलेंज आपके लिए बाकी है तो भाई भाई तो आपके जो £20 है उसमें से भाई आपके लिए चैलेंज है दो तो पहले आपको मुझे एक इवेंट दिखाना है और उसके बाद खाना देना है करेले करेले खाएगा भाई बाहर से खाना है भाई मैं आपको बोल के रखा है घर की चीज अलाउड नहीं है भाई टॉफी भी नहीं आने वाली तेरे को पता है ना मैं समझ गया लेकिन भाई वो आपकी प्रॉब्लम है मेरी मेरी नहीं है तेरे को इवेंट दिखाता हूँ भाई ये घर के अंदर है ये काउंट नहीं होता है एक तो गाइस लॉगरे ब्रो गंदे वाला चैलेंज देकर रखा है और ऊपर से बरसात हो रही है भैंस की आंख और चलो बताओ मुझे भाई ब्रेकफास्ट में क्या है ब्रेकफास्ट में क्या कर रहे हो बवंडर नहीं लेकर आना है हमें तो गाइस लॉगरे मेरे को चैलेंज देकर रखा है बेसिकली मेरे को पूरा दिन सर्वाइव करना है £20 पे और £20 में मेरे को अपने लिए खाना लेना है पीना लेना है और लॉगी को एक इवेंट एक चीज पर लेके जाना जिसके अंदर वो एंटरटेन हो एग्जैक्टली और इसके लिए भी एक टाइम का खाना मुझे इसके लिए लेना पड़ेगा बिल्कुल भैया मेरे पैसे कहाँ चले गए मेरे पैसे ये रहे तो यार मेरे पास £20 और चुके हैं लेट्स गो अभी गाइस मैं गाड़ी के अंदर बैठा था और मैंने देखा कि अपनी गाड़ी के सामने यार पप्पू की दुकान तो खाने पीने का मसला कुछ ज्यादा ही बड़ा हो सकता तो मैंने सोच के रखा कि क्यों ना सस्ते में एक ब्रेड लिया जाए ये वाला ले लेते हैं यार अरे वाह पानी की बोतल तो कुछ ज्यादा सस्ती लगा के रखी है 50 पेंस तो यार दो ये ले लेते हैं एक लॉगी की और मेरी ऑब्वियसली लॉगी ने मेरे को बोल के रखा है कि उसके लिए ब्रेकफास्ट लेना तो ब्रेकफास्ट में कुछ ना कुछ पीने की चीज भी होनी चाहिए पप्पू भाई ये ले इसका बिल बना और डिस्काउंट मेरे को देना मत भूलियो ठीक है ना ये देख रहे हो गाइस चपाती भाई कैसे आ रहे हैं भाई पता नहीं क्या मेरे लिए लेकर आए हैं तो मैं दरवाजा खोल लेता हूँ क्या लेकर आयो मेरे लिए ये घर के बंदे भी ना एकदम लुटेरे हैं क्या हुआ भाई क्या लेकर आयो मेरे को लगा कि पप्पू मेरे को डिस्काउंट देगा लेकिन चोगू बंदे ने एक पैनी मेरे को डिस्काउंट नहीं दिया ये पकड़ पैसे हाँ थैंक यू मेरे लिए हाथ मत लगाइए उनको और गाइस बातों में अपनी हुडी लेके आना ही भूल गया भाई खोल लो दरवाजा हूँ मेरी हुडी रह गई लॉगी खाने पीने का इंतजाम तो हो चुका है आपको उनको अपने खाने पीने का इंतजाम करना पड़ेगा और हम सीधा लेंगे ब्रेकफास्ट एकदम मैकडॉनल्ड्स से ये तो चीटिंग है भाई ये मुझे ये चिल्लर दिए ओके ऑब्वियसली मेरे को ज्यादा फजूल खर्ची नहीं करनी ठीक है मेरे को लिमिट में खाना पीना खाना होगा और मेरे को पता कि एग्जैक्टली क्या लेना मैकडॉनल्ड्स से तो ये रहा गाइस अपना पहला स्टॉप आ चुका है मैकडॉनल्ड्स लॉगी तेरे लिए मैं कुछ लेने वाला मेन्यू मोटा लग रहा है हेलो Hello, can I get one plain McFlurry, please? I haven't got any, sorry. You haven't got any McFlurry? No. एक चीज लेने आया था बजट पर वो भी इनके पास नहीं है अभी गाइस मैं शॉपिंग करने आ चुका हूँ और मेरे को जो है ना इस वाली दुकान के अंदर देख रहे हो पाउंडलैंड और आप बिलीव नहीं करोगे यहाँ पर इस दुकान के अंदर हर एक चीज एक पाउंड की है तो ब्रेकफास्ट के लिए एक ये ले लेते हैं किटकैट और एक ये भी ले लेते हैं आजा और चेकआउट करते हैं तो गाइस टोटली मैंने दो बोतलें पानी के लेकर रखी है पकड़ लें इसको क्या कर रहा है ये तो दो बोतलें पानी के मैंने लेकर रखी है और आयरन सिंह
की दो बोतलें इनफ होंगी। तो ये छह का पैक मैंने एक और ले लिया। यहाँ पर गाइस हमने तीन चीजें बाय की, तो ये और एक ये और एक पानी की बोतल। टोटल खर्चा हमने किया £3, पता नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा, आई डोंट नो। तो £3 यहाँ पर हमने खर्चा कर दिया। और अभी आता टाइम ब्रेकफास्ट का, तो आज हम करेंगे गाइस स्पेशल वाला ब्रेकफास्ट। सबसे पहले इसको खोलो, जिसे कहते हैं लंबी चॉकलेट। और अभी आपको दिखाने वाला पवन टर्की, देखो अभी यहाँ से निकालो एक ब्रेड लादे। कैसे कैसे काम करवा रहा है मुझसे यार ये, इसको रख ले यहाँ पर। मैं चीज समझ के खा लो। पानी की बोतल ले चल। अच्छा है ना भाई, सही खाना पीना आप तो खा रहे हो यार। और मेरी बारी कब आएगी? ये ले क्या क्या भाई, ये सूखा माल मैं नहीं खाता। सूखा माल नहीं खाना तेरे को, ये ले ब्रेड खा, ये ले फिर वो गीला ब्रेड देता हूँ, ये ले। ओ, 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 ऐसे कर ऐसे कर भाई, खा गए यार ये भी। मजबूरी का नाम ये होता है, ये ठीक है, तू भी खा। ऑब्वियसली गाइस शुरुआत में थोड़ा बहुत बजट के अंदर खाना पीना करना मेरे को, तो एकदम से वेस्टिंग वूस्टिंग कुछ नहीं करना, जो भी मिलता है खा लो और ज्यादा नखरे नहीं करने। अभी गाइस मेरा पूरा ब्रेकफास्ट हो चुका है, अभी थोड़ा बहुत बैटर फील कर रहा हूँ। और ये पूरा ब्रेड जो देख रहे हो ना, ये मेरी अब तक की बेस्ट बाई है, क्योंकि ये मेरे को पूरा दिन लास्ट करने वाला है। और अभी लॉगी के लिए जाके मेरे को एक टाइम का खाना देना, जैसे इसने मेरे को प्रॉमिस किया था। आप तेरे को पता गाइस, आपको पता कि मैकडॉनल्ड्स के अंदर £1 वाला बर्गर मिलता है, वही खाएगा तू आज। अगर गाइस बजट की बात करें तो हमारे पास अभी भी पूरे £15 एकदम से सेफ पड़े हैं। पता है ना इवेंट की टिकट इतने में आ जाती है यार, इसको इवेंट पर भी लेके जाना है यार, ये क्या मसला है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं सिनेमा लेके जा सकता हूँ। अगर सिनेमा लेके जाऊंगा तो मेरा £8 खर्चा आ जाएगा और मेरे को 4 घंटे वहाँ बैठना पड़ेगा। और मैं कभी सिनेमा भी नहीं गया, तो मुझे अपना पहला सिनेमा का एक्सपीरियंस इस बंदर के साथ नहीं जाना, ठीक है? अरे आइडिया, तेरे को इवेंट देखना है ना? हाँ देखना है। अरे ब्रो, मैं तेरे को फ्री में आज दुनिया का सबसे बेस्ट इवेंट दिखाऊंगा। yeah, अभी मेरे को सर्च करना स्वांजी वेल्स, तो ये देखो इसको लेके चलते हैं स्वांजी, जो कि 1 आवर दूर है भाई, 1 घंटे रास्ता भाई। तो मतलब कि 51 माइल्स जाना और 51 माइल्स आना, ओके खर्चे वाला काम है। तो मतलब कि करीब 8 या 10 पाउंड तक का पेट्रोल मेरा लग जाएगा, लेकिन ये इवेंट सिनेमा से 500 गुना बेहतर है, तो उसको यहाँ पर लेके चलते हैं कि एकदम से देख के खुश हो जाएगा। तो यार लॉगी बेल्ट वगैरह बांध ले, अभी गाड़ी बात करेगी हवा से। अरे यार मैं तो भूल ही गया कि मेरे को लॉगी के लिए वो £1 वाला बर्गर भी लेना है। अरे यू स्टिल द 1 pound बर्गर्स? डू यू स्टिल सेल द 1 pound बर्गर्स? तो ये रहा गाइस मेयो चिकन 1 pound का। हरा, तो ये रहा गाइस दुनिया का सबसे जुगाड़ू बर्गर। ये ले मार, अभी ये तेरा पहला और आखिरी मील है दिन का, ठीक है? और मत मांगे मुझसे। जो भाई इसको खोल के तो देखे, ये क्या है, ये सैलड बार क्यों है? ये सैलड बर्गर के अंदर होता है ना कि बाहर। ये रहा हमारा रूट, और भाई साहब 57 मिनट का है, हम टाइम में तो पहुंचेंगे ना। सारा भाई गाड़ी चला रहा, सारा भाई समझ गया तूने मेरे को? समझ गया समझ गया। गाड़ी पार कर लिया एक गली के अंदर, उम्मीद है वो फ्री होगी। और अभी उसके बाद मैं और लॉगी बिल्कुल जा रहे हैं बीच के ऊपर, और वहां से उम्मीद है पूरा शो दिखेगा। मेरे को डीप इनसाइड लग रहा है कि हमने बहुत सारा पार्ट इसको है मिस कर दिया। ये देखो गाइस कितने सारे बंदे ऑलरेडी बीच के ऊपर, सॉरी भाई, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। ओके तो गाइस शांति रख, मैं बोल रहा हूँ। ओके तो गाइस अभी मैं और लोग आ चुके हैं बीच के ऊपर, और मेरे को पता नहीं आप ये हवा सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, आई डोंट नो। बीच के ऊपर घूम रहे हैं और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, और नेक्स्ट इवेंट होने वाला 15 मिनट में। और अगर अपनी पॉकेट की तरफ देखें तो टोटल मैंने 16 पाउंड खर्च लिया है। 6 पाउंड का खाना पीना, ब्रेड चॉकलेट चॉकलेट ले ली, और 10 पाउंड का मैंने तेल डाल लिया, पार्किंग में को फ्री में मिल गई। और अभी उसके बाद सिर्फ 4 पाउंड बची हैं, और इन्हीं 4 पाउंड से मेरे को पूरा दिन यहाँ पर सर्वाइव करना है। अरे ये देखो मेरे को बीच के ऊपर क्या मिला, एक शेल, और आई थिंक चपाती भाई यहाँ पर अभी एक भाई खतरनाक मैसेज छोड़ रहे हैं। सब्सक्राइब छप रही, सब्सक्राइब लिख रहे हैं। अरे भाई साहब लोग वहाँ पर राइडें भी लगी हुई है, देख रहे हो? पैसे निकालो जल्दी, राइडों के ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि इतना बजट नहीं है भाई। तूने मेरे को जानबूझकर 20 पाउंड दिए थे, 20,000 देने थे मेरे को पता है। और वो देखो गाइस बंदे उतर रहे हैं, और मैं कैसे दिखाऊं आप लोगों को, अरे मैं नहीं पहुंच पाऊंगा यार, बहुत दूर है। तो गाइस ये रे 4 बंदे ने लैंडिंग किया, और उन्होंने बोल कर रखा है कि ये जो पीछे वाला बंदा ना वो एक्चुअली कैमरा मैन है। ऐसे कैमरे वाले बंदे मेरे को क्यों नहीं मिल रहे, तेरे को एक गधे देख रखे लगे। प्लीज बोले तेरे को मजा आ रहा है, ठीक है ना भाई? मुझे मजा आ रहा है वैसे। फ्री का इवेंट ऐसी होता है, एकदम मजेदार, सस्ता और टिकाऊ। अभी गाइस 10 मिनट की ब्रेक चल रही है नेक्स्ट इवेंट पे,
और लॉगी को ऑलरेडी भूख लगी है और यहाँ पर देख रहे हो बहुत सारे ठेले लगे हुए हैं और ऑब्वियसली हमारे बजट में कुछ नहीं है तो यार लॉगी खा सकता है क्योंकि लॉगी इस चैलेंज के अंदर नहीं है तो मुझे इसकी तरफ देखना पड़ेगा सिर्फ अभी लॉगी ना वहाँ पीछे बैठ के वहाँ बर्गर ठूस रहा है वो जूसी वाले तो मजा आ रहा है उसको खा पी के पर मैं कुछ खा भी नहीं पा रहा क्योंकि ऑब्वियसली बजट के बाहर है एक बर्गर 7 pound का और मेरे पास फिलहाल है 4 pound और ये देखा हमारे दूसरे इवेंट की तैयारी शुरू हो चुकी है और ये देख रहे हो लोग देख रहे हैं जहाज आ रहे हैं आके खोल ओ भाई साहब ओ माय गॉड लिटरली ब्रोस जहाज के ऊपर बंदा बैठा हुआ है ये फ्री वाले इवेंट कितने मस्त होते हैं मेरे को पता भी नहीं था लोगे अच्छा ये तू हट जा तू हट क्या तेरे को ये विस्पूची बीच नहीं है GT5 का तो ये वाला एक्चुअली मेरे को पसंद आया और इसे गाइस अपने पीछे बोलते हैं धुआंधार परफॉर्मेंस इवेंट के अनुसार बड़ा जहाज ये रहा अब ये रहा ओ भाई साहब बहुत ज्यादा भूख लग रही है मैं एक्चुअली एक सुपर मार्केट के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर मेरे को मील डील मिल सकती है मील डील में क्या होता है एक सैंडविच एक स्नैक और एक ड्रिंक और वो भी गुड प्राइस में मेरे को लेना है यहाँ से जूस के बाद मेरे को भाई सैंडविच सेलेक्ट करना है और हम लेंगे मैंगो चटनी विद चिकन और स्नैक्स के तौर पर हम लेंगे अपनी फेवरेट सुशी पकड़ ले इसको क्या है क्या कर रहा लॉगी ऊपर कर थोड़ा प्लीज शक्ल नहीं आ रही अपनी गाइस ये रहा अपना खाना तो ये है मेरा ड्रिंक और ये रहा मेरा सुशी जो हमने पिक की थी वो एक्चुअली बड़ी वाली थी लेकिन हमको लेनी थी छोटी वाली और ये है मेरा धमाकेदार सैंडविच तो यार वहाँ पर लिखा था कि सारे कॉस्ट करेगा 3 pound लेकिन एक्चुअली जब मैं गया तो मेरे से 3.50 ले लिए तो बजट के अनुसार मेरे पास अभी भी 50 pence बचे हुए हैं मजा आ रहा है ना सही मार रहे चलो दे दो एक मुझे दे दो अपनी सुशी के वाह हाथ मत लगाइए बस पहले बता रहा हूँ अच्छी है ना ऑलराइट अभी गाइस गाड़ी के अंदर आ चुके हैं होए 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 कुछ किया भी नहीं एवी चीके मार रहा है और अगर मैं अपने पर्स की तरफ देखूं तो सिर्फ 50 pence मेरे पास बचे हुए हैं और अभी गाइस मैं एकदम घर पे आ चुका हूँ और आज का दिन एकदम सुपर फैंटास्टिक और ये मैंने 50 pence हाथ में पकड़ कर रखे हुए हैं क्योंकि पूरे पैसे मैंने खर्च कर दिए मेरे पास 20 pound थे और आखिर में मेरे पास बचे हैं 50 pence अभी रात की रोटी खानी बाकी है और रात के लिए मेरे पास एकदम मस्त प्लान है और गाइस 50 pence की सिर्फ एक ही चीज मेरे को दुनिया में मिलनी है वो एक्चुअली मेरे को मिलनी है पप्पू की दुकान से और ये रहा वो प्रोडक्ट अपनी ट्रस्टेड मैगी चोमुगरी देख रहे हो इसके ऊपर लिखा है 10 rupees लेकिन मेरे से कितने लिए 50 rupees अगर 50 rupees में कन्वर्ट करूँ तो आपको 50 rupees तो मतलब की 5 गुना ज्यादा चार्ज कर रहे हैं यहाँ पर अपनी फ्रेश मैगी Okay guys, we are now back in the studio. मेरी मैगी एकदम से रेडी है इसको मुझे अपने कमरे के अंदर रखना पड़ेगा तो चलिए आज के चैलेंज में काफी है मैंने पूरा चैलेंज कर दिया लॉगी को एंटरटेन करना था कर दिया उसके लिए एक टाइम का ब्रेकफास्ट लेना था ले लिया पूरा दिन सरवाइव कर लिया उसको इवेंट में ले गया सारे काम कर देगा बिल्कुल इस चैलेंज में बहुत मजा आया अगर आपको मजा आया तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाले चैलेंज में चलिए ठीक है एवरीवन एंड बाय बाय